आज हम इस तरह की गादी माला जी बनाने वाले हैं। ये गादी माला जी क्रिस्टल मोती में से बनेगी और ये बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह के क्रिस्टल मोती, और ये भी क्रिस्टल मोती है, वो छोटी साइज़ के हैं। आप कोई भी दो साइज़ के ले सकते हो। इस तरह से हम चार मोती लेंगे पहले, और जो पहला वाला मोती लिया है उसमें हम सुई डालेंगे इस तरह से। अब हम साइड वाला जो मोती है उसमें सुई डाल देंगे। अब हम फिर से मोती लेंगे, इस बार हम तीन मोती लेंगे इस तरह से, और जिस मोती में हमारी सुई है उसी में से हम फिर से निकलेंगे इस तरह से। फिर जो साइड वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे और बीच वाले मोती तक आ जाएंगे, बीच वाले मोती में भी सुई निकालेंगे। फिर से तीन मोती लेंगे और उसी मोती में से निकलेंगे, उसमें भी बीच वाले मोती तक आ जाएंगे, पहले साइड वाले में से और फिर बीच वाले मोती में। अब हम फिर से तीन मोती लेंगे और जिस मोती में सुई है उसी में डालेंगे, और फिर साइड वाले मोती में से निकलेंगे और जो बीच वाला मोती है उसमें से निकल जाएंगे इस तरह से। अब हम जो दूसरी साइज़ के छोटी साइज़ के जो मोती है वो लेंगे, वो भी हमें तीन लेने हैं इस तरह से। साइड वाले मोती में निकलेंगे और जो बीच वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह से। फिर से तीन मोती लेंगे और जिस मोती में सुई है उसी में डालेंगे, साइड वाले मोती में से निकलेंगे और बीच वाले मोती में से निकलेंगे। फिर से तीन मोती लेंगे इस तरह से। अब हम साइड वाले मोती में सुई डालेंगे। अब हमें वहाँ से रिटर्न नीचे की साइड आना है, इसलिए हम ऊपर वाले मोती में नहीं जाएंगे। साइड वाले मोती में लेके फिर से तीन मोती लेंगे इस तरह से, और उसी मोती में से निकलेंगे। अब ऊपर वाला मोती और साइड वाले मोती में से निकल जाएंगे इस तरह से। अब हम दो मोती लेंगे इस तरह से, और जो आगे की लाइन का मोती है उसमें से सुई डालेंगे, और जो हमने इससे पहले मोती लिया उस वाले बीच मोती में से निकलेंगे और साइड में से निकल जाएंगे इस तरह से। अब हम फिर से एक स्मॉल और एक बिग, इस तरह से एक छोटा मोती और एक बड़ा मोती, दो मोती लेंगे और जो पहली लाइन वाला मोती है उसमें सुई डालेंगे, और बीच वाले मोती में सुई निकालेंगे इस तरह से, और साइड वाले मोती में से निकल जाएंगे इस तरह से।
अब हम बड़े वाले मोती लेंगे, दो मोती लेने हैं। अब हमें दो दो मोती लेने हैं बीच वाले मोती में और साइड वाला मोती, इस तरह से फिर से दो मोती और आगे की लाइन वाले मोती में डालेंगे। ये आप कोई भी कलर में बना सकते हो। अब ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये क्रिस्टल मोती हर कलर के आते हैं, आप किसी भी कलर में बना सकते हो। इस तरह के फिर से दो मोती लेंगे और जो बीच वाला मोती है उसमें से निकलेंगे और जो साइड वाला मोती है उसमें जाएंगे। फिर से दो मोती लेंगे और पहली लाइन वाले मोती में और जो बीच वाला मोती है उसमें से निकलेंगे। और साइड वाले मोती में से निकल जाएंगे इस तरह से। अब हम वहाँ पे नीचे की साइड तीन मोती लेंगे इस तरह से और जो आगे वाला मोती उसमें से निकलेंगे। फिर नीचे वाला और साइड वाले मोती में से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। मैं माला जी में दोनों साइड ऊपर नीचे तीन तीन लेने हैं और बाकी सब बीच वाले दो दो मोती लेते जाने हैं। इस तरह से दो मोती लेके साइड में निकलेंगे, दोनों कॉर्नर पे तीन और बीच वाले सब मोती दो आएंगे। फिर से दो मोती लेंगे और आगे की लाइन के मोती में डालेंगे और बीच वाले मोती में से निकलेंगे और साइड में आ जाएंगे फिर से ऊपर की तरफ। फिर से दो मोती लेंगे और आगे की लाइन के मोती में निकलेंगे और बीच वाले मोती में और साइड वाले मोती में। हमें मोती इसमें से धागा निकालने की प्रोसेस पूरे माला जी में सेम ही करनी है। दो तो दो मोती लेते जाने हैं और सेम प्रोसेस से सुई को निकालते जाने हैं। पहले बीच वाले मोती में से और उसके बाद साइड वाले मोती में से इस तरह से। फिर से दो मोती लेंगे। हमारी ऊपर की दो लाइन है वो स्मॉल मोती में से बनेगी और नीचे की तीन लाइन बड़े मोती में से बनेगी इस तरह से। फिर से दो स्मॉल मोती और साइड में से ऊपर की तरफ। अब हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। इस तरह से तीन मोती लेंगे ऊपर वाले मोती में से निकलेंगे और साइड वाले मोती में से निकल के नीचे की साइड आ जाएंगे इस तरह से। अब फिर से दो स्मॉल मोती और बीच वाला मोती और साइड वाला मोती। एक स्मॉल, एक बिग, एक छोटा और एक बड़ा क्रिस्टल मोती और आगे की लाइन के मोती में डालेंगे।
जब हम ऊपर की साइड से नीचे आएंगे तब एक स्मॉल और एक बड़ा इस तरह से आएगा, और जब नीचे के ऊपर की साइड जाएंगे, दो मोती लिए और साइड वाले मोती में से निकले, फिर से दो मोती लेंगे और आगे की लाइन में से निकले और बीच वाले मोती से साइड में आ जाएंगे इस तरह से, फिर से दो क्रिस्टल मोती आगे की लाइन में, साइड वाले मोती में से निकल जाएंगे इस तरह से, फिर से दो मोती लिए और आगे की लाइन में से निकले, तो बीच वाला मोती है उसमें से निकलेंगे और साइड वाले मोती में से। अब हम नई लाइन स्टार्ट करेंगे, तीन मोती लेंगे और आगे वाले मोती में से निकलेंगे इस तरह से, और नीचे की तरफ और साइड वाले मोती में से ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमें पूरी माला जी कंप्लीट करनी है। यही सेम प्रोसेस पूरी माला जी में करनी है। और आपको जिस साइज़ की गादी माला जी चाहिए आप उतनी बड़ी बना सकते हैं, आप कलर भी कोई भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी है हमारी गादी माला जी। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पे आते रहें।